अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद बहुत बहुत मुबारक। आज मैं मटन चाप बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है, मेरे बच्चों की फेवरेट डिश है ये। मैं कुर्बानी वाली ईद पर इसको ज़रूर बनाती हूँ। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये हमने मटन चाप लिए, आप देख सकते हैं ये पूरे एक मटन की चाप है, 1.5 किलो के करीब है ये। इसको हम भगोने में डालेंगे इस तरीके से। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच। प्याज का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 2.5 चम्मच। मिर्च इसमें थोड़ी तेज़ी अच्छी लगती है। ये हमने भुना जीरा लिया है पाउडर, उसका 1/2 चम्मच। नमक लिया है हमने 1.5 चम्मच। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। हल्दी ली है मैंने 1/2 चम्मच। धनिया लिया है हमने 1/2 चम्मच। गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 कप हम पानी डालेंगे, 100 मिलीलीटर पानी, और इसको हम चूल्हे पर रखकर तेज़ आंच पर पकाएंगे। इसको इतना पकाएंगे कि ये गल जाए, लेकिन ज़्यादा न गले, थोड़ी कच्ची पकाएंगे हम इसको। यानी हम 90% पकाएंगे इसको और 10% हम इसको बाद में पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी ये चाप तैयार हो गई है एक तरीके से। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये गल चुकी है, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, इसको 90% गलाया है हमने। इसको हमने पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाया था और फिर हमने स्लो आंच पर इसको 20 मिनट पकाया है। ये आराम से जितनी हमें गली हुई चाहिए थी ये हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसमें पानी भी नहीं है, मसाला इससे चिपट गया है बिल्कुल चाप से। अब हम इनको फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये चाप हमारी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका मसाला बिल्कुल इसके ऊपर चिपट गया है। अब हम इसको फ्राई करें। ये जैसे हमें चाहिए था ऐसे ही है। अब हम इस पर लेमन जूस डालेंगे। ये 3 लेमन का जूस लिया है हमने, ये डाल देंगे सारे में को डाल देंगे हम अच्छे से। अब हम इस पर चाट मसाला डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे सारे में आ जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ठीक से। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, चाट मसाला और नींबू इस पर अच्छे से लगा दिया है हमने। अब हम इसको आपको 2 तरीके से फ्राई करके दिखाएंगे। ये हमने 1 अंडा लिया है, इसमें हम 4 चम्मच दूध डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे हम। ये हमें ब्रेड क्रम चाहिए, ये हमने फ्रेश ब्रेड के बनाए हैं मिक्सी में पीस कर। ये अच्छे से हम अंडे को फेंट लेंगे। ये हम 1 चाप लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से हम ब्रेड क्रम लगा देंगे अच्छे से। लेमन डिप करेंगे इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल। अब हमारा ऑयल गरम है, हम उसमें डालेंगे इसको। आप देख सकते हैं एक को हमने पलट दिया है, ये हमने दूसरे भी डाल दिए इसमें। इस तरीके से हम थोड़ी सी ऐसी बनाएंगे, थोड़ी सी हम दूसरी दिखाएंगे आपको। हमने दूसरे भी पलट दिए, आप देख सकते हैं ये पहले वाली जो हमने चाप डाली थी ये हो चुकी है। इनको हम निकाल लेंगे इस तरीके से टिश्यू पेपर पर, ताकि इसमें जो ऑयल है वो इसके टिश्यू पेपर में आ जाए।
तरीके से हम दूसरे भी डाल लेंगे इसमें। ये हम सारे निकाल लेंगे और आपको दूसरे तरीके से दिखाएंगे हम। आप देख सकते हैं ये एक तरीके से हमने तैयार करेंगे, अब दूसरे तरीके से बताएंगे हम। अब हम इसको इसी के ही मसाले में जो हमने नींबू और चाट मसाला डाला था इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे खाली। ये बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हैं हमने इनको पलट दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं दोनों तरीके से। चाप बहुत तरीके से बनाते हैं लोग, लेकिन हमने आपको दो तरीके बताए। ये हम हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं, इसको मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। अब हम इनको निकाल लेंगे, हमने दोनों तरफ से इसको पका लिया ठीक से। देख सकते हैं आप ये ब्राउन हो गई है बहुत अच्छी। ये हम सारी निकाल लेंगे और फिर आपको डिश आउट कर दिखाएंगे। ये तैयार है हमारी चटपटी चाप, मटन चाप। ये मैंने दो तरीके से बनाई है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने एल्युमिनियम फाइल से ऐसे पकड़ने के हिसाब से बना दिया है, हाथ भी ख़राब नहीं होंगे इससे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी है। इसको मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है, सलाद प्याज टमाटर और मूली के पत्तों के साथ मैंने इसे सजाया है हरी मिर्च के साथ। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। इस ईद पर यह चाप ज़रूर बना कर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।